प्लीज एंड फाइंड, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है। इसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टीज के अंदर लगती हो वो लगा के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यही क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉपर्टी का यूज करना है तो फिर आप इसे प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन पे, -2 × 3 × 3/5 ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म मानी जाएगी, आगे प्लस 5/2 है और फिर -3/5 × 1/6 तो प्लस और माइनस से जो है टर्म अलग हो जाती है। मल्टीप्लाई में हो तो वो टर्म एक ही मानी जाती है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये तीन टर्म्स हैं। अब इन तीन टर्म्स के अंदर मैं ये देखता हूँ कि पहले टर्म के अंदर 3/5 है और लास्ट वाली टर्म के अंदर भी यहाँ पे 3/5 है। तो पहले मैं इन दोनों टर्म्स को जिनमें 3/5 कॉमन है ये मैं एक साथ कर लेता हूँ, -2/3 × 3/5 ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म -3/5 × 1/6 आगे ये बच गया है, इसे आगे लगा देते हैं। अब यहां पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि आप a प्लस बी लिखो या आप b प्लस a लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जब आपकी कोई एक्सप्रेशन है उसमें आप आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां प्रॉपर्टी लगी है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस स्टेप के अंदर यूज हुआ है। अब यहां मैं सॉल्व करता हूं इसको, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनके अंदर 3/5 कॉमन है तो यहां से मैं 3/5 को कॉमन ले लेता हूं। ये माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ पे एक नंबर यहाँ माइनस भी है तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस तो उसमें होगा ही, तो मैं 3 को 3/5 जो है ये मैं माइनस में बाहर ले लेता हूँ, -3/5 यानी ये जो माइनस है ना ये मैंने यहां पे ले लिया है। अब यहां से बचेगा 2/3 क्योंकि इसका माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है और 3/5 मैं यहां बाहर ले चुका हूं, आगे ये जो माइनस है ये मैंने कॉमन ले लिया है तो यहां पे बचेगा प्लस और 3/5 बाहर है तो यहां टर्म बचेगी 1/6 आगे जो है इसको हम कॉपी कर देंगे। अब इतने पार्ट के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि ये ए है और b प्लस सी है तो हम इस a को बारी बारी से b और c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ab प्लस और ac। यहां भी यही हुआ है, पहले ये इस तरह से लिखा हुआ था ab प्लस ac, इसमें से जो एक चीज कॉमन आ रही है जो कि a है वो मैंने बाहर ले लिया, यहां पे क्या था कॉमन -3/5 तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब हम आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, -3/5 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर आपको फ्रैक्शंस की एडिशन दिख रही होगी तो इन्हें हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 3 आ गया, 3 3 ही रहेगा, 3 से ये दोनों चले जाएंगे 1 और 1 आ गया, 2 3 6 हो गया तो एलसीएम इन दोनों का नीचे 6 आएगा। अब यहां इस 3 को मुझे 6 बनाना है, जब 3 को मुझे 6 बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस यहां 2 से किया है तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। इसी तरह से यहां 6 को 6 बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना तो ये एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे 2 × 2 इस स्टेप के अंदर 2 × 2 यानी कि यहां 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/6 है, 6 नीचे ऑलरेडी बना हुआ है तो यहां 1 का 1 ही रहेगा, आगे +2 एज इट इज कॉपी। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो -3/5 और ब्रैकेट ब्रैकेट का आंसर निकाल लें तो 4 + 1 हो गया है 5 और नीचे हो गया ये 6 और ये ब्रैकेट में है, यहां पे ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, आगे 5/2 एज इट इज। अब इसे यहां सॉल्व करें हम इतने पार्ट को आगे वाले को तो 5 और 5 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 1 5 5 1 5
थ्री और सिक्स कटता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों थ्री के टेबल में आते हैं, तो थ्री वन जा थ्री और माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस का थ्री है और यहां पे थ्री टू जार सिक्स। ऊपर जरा इसे सॉल्व कर ले, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, यहां टू वन जार टू हो गया है, प्लस फाइव बाय टू आगे लिखा हुआ है। अब यहां पे फिर से फ्रैक्शंस की एडिशन हो गई है, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो टू और टू का एलसीएम तो टू ही आएगा, तो इनका एलसीएम आ गया है टू। एलसीएम सेम है, दोनों जगह सेम है, तो ये टू आ गया, ऊपर माइनस वन और ये प्लस और ये फाइव। ऊपर सॉल्व कर दें तो प्लस माइनस की चीजें हैं तो माइनस हो जाएंगी, फाइव में से वन माइनस हो जाएगा तो फोर आएगा और प्लस का ही होगा क्योंकि यहां प्लस का नंबर बड़ा है और नीचे है ये टू, फोर को टू से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ गया है टू। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, पार्ट के अंदर यहां पे भी आपको ये जो टर्म्स हैं ये तीन टर्म्स दे रखी हैं, 5 बाय टू इंटू माइनस थ्री बाय सेवन, ये इंटू में तो ये एक टर्म मानी जाएगी, आगे माइनस आ गया है और फिर ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, माइनस वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाय टू, तो ये दूसरी टर्म मानी जाएगी, प्लस वन बाय फोर्टीन इंटू टू बाय फाइव, ये एक अलग टर्म मानी जाएगी। तो ये तीन टर्म्स हैं। अब इन तीन टर्म्स के अंदर मैं ये देखता हूँ कि ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं जिनमें कोई चीज सेम सेम आ रही हो। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर 2 बाय 5 है मल्टीप्लाई में और लास्ट वाली टर्म के अंदर भी 2 बाय 5 मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ ताकि आगे चल के 2 बाय 5 में कॉमन ले लूँ। तो पहले मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर लूंगा और उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बाय 5 इंटू माइनस 3 बाय 7, ये पहले टर्म ले ली मैंने और यहां से ये लास्ट वाली, प्लस 1 बाय 14 इंटू 2 बाय 5, आगे ये चीज है ये अलग है, इसे हम यहां पे लिख देंगे। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि इनमें 2 बाय 5 कॉमन है। अब एक साथ इन्हें कर लिया, इनका ऑर्डर चेंज किया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहां पे इस स्टेप के अंदर हमने यूज किया है। अब इन दो टर्म्स के अंदर 2 बाय 5 2 बाय 5 यहां हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 2 बाय 5 कॉमन ले लेंगे, तो इतने में से फर्स्ट टर्म में से यहां माइनस 3 बाय 7 बच जाएगा, आगे यहां भी 2 बाय 5 इस टर्म में से कॉमन ले लिया है तो यहां प्लस 1 अपॉन 14 बच जाएगा। आगे जो है इसे सेम टू सेम ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। अब यहां मैंने प्रॉपर्टी यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पीछे बताया मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जब कोई एक चीज होती है, जैसे ये ए ब्रैकेट बी प्लस सी है, तो यहां ए बी प्लस ए सी हो गया। अब इनमें जो एक सेम जैसी चीज है उसे हम जब कॉमन ले लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको स्टेप के सामने ही ब्रैकेट लगा के ऐसे मेंशन करना होगा कि स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 बाय 5 ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शंस की एडिशन है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 7 ये 14, ये 2 से चला जाएगा 14, 7 तो जाएगा नहीं एज इट इज, ये 7 हो गया, 7 7 से ही जाएगा, 1 और 1 हो गया, 2 7 जार 14 आ गया है एलसीएम, तो यहां पे 14 बनेगा। अब ये स्टेप के अंदर ध्यान देना, जिसको ना आता हो फ्रैक्शंस की एडिशन, तो एलसीएम 14 आ गया है, तो फर्स्ट पार्ट में ये जो पहला फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसको भी हमें 14 के बराबर करना है, तो 7 2 जार होता है 14, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा, तो यहां पे 3 2 जार 6, तो ये माइनस 6 हो जाएगा ऊपर, आगे प्लस का प्लस, ये 14 है और एलसीएम भी 14 है, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है, तो जो ऊपर की चीज है वो एज इट इज उतार देंगे, आगे माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 3 बाय 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 बाय 5 एज इट इज, ब्रैकेट ब्रैकेट का आंसर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में
ऊपर माइनस और प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिक्स में से वन जाएगा तो फाइव आएगा, और माइनस का फाइव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है, तो ऊपर माइनस फाइव हुआ, नीचे फोर्टीन हो गया। अब इसे भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, ये थ्री और सिक्स मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थ्री वन जार थ्री हो गया और थ्री टू जार ये सिक्स हो गया। ऊपर प्रोडक्ट करें इसका तो वन वन जार वन और ये माइनस, तो यानी कि माइनस वन, नीचे टू टू जार फोर हो गया। अब यहाँ पे ये जो पहली दो चीजें लिखी हुई हैं ये ब्रैकेट में है दूसरी वाली, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये अलग है माइनस की, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल होता है कि कोई चीज ऊपर नीचे अगर कट रही है तो उसे हम काट सकते हैं। फाइव और फाइव यहां मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइव वन जार फाइव हो गया और ये फाइव वन जार फाइव हो गया, माइनस लगाऊंगा क्योंकि यहां माइनस था। टू और फोर्टीन आपस में कट रहे हैं, दोनों टू के टेबल में आते हैं, टू वन जार टू हो गया और टू सेवन जार फोर्टीन हो गया। अब ऊपर ऊपर वन वन जार वन और माइनस है तो माइनस का वन, नीचे सेवन वन जा सेवन, आगे माइनस वन अपॉन फोर लिखा हुआ है एज इट इज, यहां पे कॉपी कर दिया। अब ये हो गई आपकी फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा सेवन का और फोर का, तो सेवन और फोर का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये सेवन हुआ, ये फोर हुआ, तो इस टू से स्टार्ट करेंगे, सेवन तो जाएगा नहीं, एज इट इज कॉपी, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू आ गया, यहाँ ये टू टू से जाएगा, सेवन जाएगा नहीं एज इट इज, और ये टू टू से डिवाइड होके वन आ गया, सेवन सेवन से ही जाता है, वन हो गया, वन हो गया। अब जो इधर आए हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे, टू टू जार फोर, फोर सेवन जार ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट आया है एलसीएम, ये हम नीचे ट्वेंटी एट लिखेंगे। अब पहले पार्ट पे देखें, पहले फ्रैक्शन में तो नीचे डिनोमिनेटर 7 है और हमें इस 7 को 28 के बराबर बनाना है, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 4 जा 28 होगा, यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहां पे 4 है, 4 को 28 बनाना है तो 4 7 जा 28 होता है, यहां 7 से किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर की चीज लिख लेते हैं, तो माइनस वन इंटू फोर ये माइनस फोर होगा, आगे माइनस वन इंटू सेवन ये माइनस सेवन हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएंगे दोनों, सेवन और फोर का सम करेंगे तो इलेवन आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का इलेवन आएगा, नीचे ट्वेंटी एट है। ऊपर प्रोडक्ट करें इसका तो वन वन जार वन और ये माइनस, तो यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा सेवन का और फोर का, तो सेवन और फोर का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये सेवन हुआ, ये फोर हुआ, तो इस टू से स्टार्ट करेंगे, सेवन तो जाएगा नहीं एज इट इज कॉपी, फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू आ गया, यहाँ ये टू टू से जाएगा, सेवन जाएगा नहीं एज इट इज, और ये टू टू से डिवाइड होके वन आ गया, सेवन सेवन से ही जाता है, वन हो गया, वन हो गया। अब जो इधर आए हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे, टू टू जार फोर, फोर सेवन जार ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट आया है एलसीएम, ये हम नीचे ट्वेंटी एट लिखेंगे। अब पहले पार्ट पे देखें, पहले फ्रैक्शन में तो नीचे डिनोमिनेटर सेवन है और हमें इस सेवन को ट्वेंटी एट के बराबर बनाना है, तो इससे फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेवन फोर जार ट्वेंटी एट होगा, यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 है, 4 को 28 बनाना है तो 4 7 जा 28 होता है, यहाँ 7 से किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर की चीज लिख लेते हैं, तो माइनस वन इंटू फोर ये माइनस फोर होगा, आगे माइनस वन इंटू सेवन ये माइनस सेवन हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएंगे दोनों, सेवन और फोर का सम करेंगे तो इलेवन आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का इलेवन आएगा, नीचे ट्वेंटी एट है। अब ये दोनों नंबर आपस में किसी से कट रहे नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म।